घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जय माता दी। भक्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और विलक्षण मंत्र बताने जा रहे हैं। ये मंत्र बेहद महत्वपूर्ण है और खास तौर से उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। ऐसा देखा गया है कि तमाम औषधि लेने के बाद भी उच्च रक्तचाप में उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है और रक्तचाप ऊपर या नीचे हुआ करता है। रक्तचाप का ज्यादा बढ़ना भी बेहद हानिकारक माना गया है। हालांकि आप जो भी औषधि ले रहे हैं वो अपनी औषधि लेते रहिए, लेकिन आज मैं जो एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप उच्च रक्तचाप से मुक्ति पा जाएंगे। सनातन धर्म में मंत्र चिकित्सा का बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पहले हमारे ऋषि मुनि जड़ी बूटियों और मंत्रों से ही अपने स्वास्थ्य लाभ लेते थे और अगर कोई बीमार होता तो उसके लिए भी जो हमारे वैद्य थे वो सिर्फ मंत्र चिकित्सा और जड़ी बूटी औषधि से ही काम चलाते थे। बड़े से बड़े असाध्य रोगों को भी जड़ी बूटियों से या मंत्रों से ठीक कर दिया जाता था। हालांकि आज एलोपैथ ने अपना स्थान जरूर बना दिया है। एलोपैथ की गोली उच्च रक्तचाप में भी लोग नियमित रूप से खा रहे हैं और एक क्रम बन जाता है, चाहे शुगर हो या रक्तचाप हो, अगर इसके मरीज ने एक बार दवा ले ली तो फिर नियमित रूप से उसे इसे खाने की ही तरह खाना है। यानी सुबह उठते सबसे पहले आपको एक टैबलेट उच्च रक्तचाप या शुगर के लिए खा लेना है। लेकिन आज हम आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं उसमें आप जो भी औषधि ले रहे हैं उस औषधि को लेते रहिए और साथ में अगर 21 बार इस मंत्र को पढ़ लें तो यह दावा है कि उच्च रक्तचाप से आपको यथाशीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। और एक बार अगर यह उच्च रक्तचाप आपका बराबर हुआ तो फिर जीवन में कभी रक्तचाप आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए कोई खास चीज नहीं है। सुबह आप उठिए, नहाइए और धोइए, लेकिन शर्त यह है कि उस समय तक आप खाली पेट होना चाहिए। नहाने धोने के बाद आप किसी प्रकार का कुछ मत खाइएगा। बस आप अगर कोई पूजा स्थान है घर में तो वहां बैठ जाइए, नहीं तो कहीं पर भी आप सुखासन में पलथी मार करके बैठ जाइए, माँ का ध्यान करिए और इस मंत्र को केवल 21 बार आपको पढ़ना है। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई लंबा जाप नहीं है, केवल 21 बार ही इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। 21 बार अगर आप इस मंत्र को खाली पेट कर लेते हैं तो यह दावा है कि पहले ही दिन से आपको चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और अगर कुछ दिन आप लगातार इस मंत्र को करते रहे तो आप उच्च रक्तचाप अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। ये वो मंत्र है जिसे हजारों हजार लोग अब तक कर चुके हैं और इससे उनको लाभ भी हुआ है। और अगर किसी प्रकार की किसी मंत्र से कोई असाध्य रोग हमारा मिट जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई अलग से आपको समय नहीं देना है, इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा आपका नहीं है, किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं है। मात्र एक छोटा सा मंत्र है। सुबह नहाने धोने के बाद खाली पेट बैठ करके 21 बार इस मंत्र का जप करना है और जैसे ही आप इसका जप शुरू करेंगे 21 बार करने के तुरंत बाद आप देखिएगा आप बहुत रिलैक्स महसूस होगा, शरीर में हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे आपका रक्तचाप घट जाएगा। हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि दवा मत बंद करिएगा, दवा जो ले रहे हैं लेते रहिएगा, लेकिन जब आपको ये लगे कि रक्तचाप बिल्कुल अब हमारा ठीक हो चुका है तब आप डॉक्टर से पूछ करके दवा बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वह मंत्र है जो जड़ से उच्च रक्तचाप को समाप्त कर देता है। आप कागज पेन उठा लीजिए, मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान में कर लीजिए कि इस मंत्र को सुबह करना है, खाली पेट करना है और 21 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है ओम भवानी पादुरंगा। ओम भवानी पादुरंगा। ओम भवानी पादुरंगा। बस इस मंत्र को सुबह खाली पेट 21 बार आप जप लीजिए, चमत्कार आपके सामने होगा। आपका उच्च रक्तचाप यानी जिसे हाई बीपी कहा जाता है स्वतः अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आप उच्च रक्तचाप से मुक्ति पा जाएंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। आगे आप कौन से मंत्र जानना चाहते हैं वो हमें जरूर लिखें और इसे जनहित में लोगों तक शेयर जरूर करें। जय माता दी।